एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जो सुबह का काम है हमारा, झाड़ू पोछे का, जो सफाई का, डस्टिंग का जो काम है, वो फिनिश हो चुका है और मैं नहा चुकी हूँ, नहा कर आई हूँ। और अभी हम लोग चलेंगे किचन में। तो आज बनेंगे स्पेशल से आलू के पराठे। और जो आलू के पराठों का जो नाश्ता है, आप लोग भी उसके लिए रेडी हो जाएँ। तो जब तक मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, आप लोग भी आ जाएँ। और जो आज का रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो आज का एक नया सा अच्छा सा जो व्लॉग है वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का कि आपने मुझे लास्ट वीडियो में इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो ऐसे ही प्लीज़ अपना सपोर्ट एंड लव मेरे ऊपर बनाए रखें। और अगर आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत जल्दी जो मेरा चैनल है बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि मेरे चैनल की जो भी ग्रोथ है वो आप सब लोगों के हाथ में है। वो क्योंकि मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाना। आप उस वीडियो को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा उसको प्रमोट करा देते हैं, वो आप लोगों के ही हाथ में है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बिग वाला थैंक्स, आजकल आप मेरी वीडियोस पर आ रहे हैं और मेरी वीडियोस को जो है लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक्स। तो अभी हम लोग सुबह का टाइम हो रहा है, 7:30-8 का टाइम हो रहा है और अभी चलते हैं किचन में। किचन में जाकर बनाते हैं नाश्ता, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलिए किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में। तो आप देखिए, जो प्रिपरेशन है वो मैंने पहले से ही कर रख ली थी। तो आटा है वो भी बना कर रख लिया था और जो आलू की का जो पेस्ट है वो भी बनाकर मैंने रख लिया था। और यहाँ पर अभी बना रहे हैं पराठे। तो आज के जो पराठे बना रही है वो मम्मी बना रही है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखिए जो हमारे यम्मी यम्मी से पराठे हैं, बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाएं और हमारे साथ नाश्ता करें। तो आज जो आलू के पराठे बना रही हूँ वो बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल के साथ, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल ना हमारा घर का है, मतलब गांव से आया था। तो इसका टेस्ट ना हर चीज़ में बहुत अच्छा आता है, तो सब्ज़ी में भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं इससे ना पराठे भी बनाकर देखती हूँ कैसे लगते हैं। तो खाने के बाद पराठों का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। मार्केट में जो ऑयल आता है, रिफाइंड आता है, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो देखिए जो यम्मी से पराठे हैं, पराठे हैं वो हमारे तैयार हैं, बिल्कुल एकदम से रेडी हैं। यम्मी यम्मी पराठे मैं बना चुकी हूँ और आप भी आ जाइए, आप लोग भी नाश्ता करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग करते हैं नाश्ता, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहना, वीडियो से बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आगे आप वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो मेरा रूटीन है रोज का वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और कुछ आपसे बातें भी करूंगी स्पेशल वाली। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 करके इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको मेरी जो आगे की वीडियोज़ होगी वो कैसे दिखाई देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब और तब तक हम लोग करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद मिलते हैं। अभी हम सब लोग बैठे हैं नाश्ता करने के लिए और किट्टू के कितने ड्रामे रहते हैं खाने के लिए, आप देखते रहना। तो आज किट्टू पता है बार बार क्या बोल रहा है, देखो ऐसे हाथ पकड़ रहा है ना, तो मेरा आज सूट के ऊपर जो स्लीव्स पर डिज़ाइन है वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार यही बोल रहा है कि देखो इसमें ना मेरा फेस दिख रहा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मिरर लगे हुए हैं। ये देखिए कैसे दिख रहा है किट्टू हाथ लगा लगा कर, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो नाश्ता वाश्ता करके हम लोग आए हैं किचन में, मैं किचन में आई हूँ, हम लोग नहीं। तो यहाँ पर जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैं साफ़ कर देती हूँ और किचन को भी एक थोड़ा सा टचअप दे देती हूँ, सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जब नाश्ता बने या खाना बने, कुछ भी बने, तो थोड़ी सी किचन तो गंदी हो ही जाती है और मैं साथ साथ उसको साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर लूँगी और छोटी मोटी चीज़ें जो और भी रखी थी, किट्टू की बॉटल थी और एक दो ग्लास थे, बस ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, उनको मैं कर लूँगी साफ़ और उसके बाद आगे का रूटीन करते हैं। जो तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर जो स्लेफ है और जो हमारी गैस है उसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा वगैरह जो है वो गिर ही जाता है। तो यहाँ जो किचन काउंटर है पूरा, वो भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ और इसके बाद
अब मैं जा रही हूँ, जो यहाँ के छोटे छोटे से बर्तन एक दो रह गए थे लास्ट में निकल ही जाते हैं, तो उनको साफ़ कर रही हूँ। और नीचे जो फ्लोर है ना, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो एक हल्का सा पोछा मैं उस पर भी लगा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है या फिर चप्पलों के निशान आ जाते हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और किचन की सफाई करने के बाद मैं पहुँच गई हूँ ड्राइंग रूम में, बिकॉज़ ड्राइंग रूम में अभी किट्टू की एंट्री हुई थी, और जहाँ किट्टू की एंट्री हो जाए वहाँ तो समझ लीजिए कि आपको वैसा का वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये कितनी सारी चीज़ें गिरा गिरा के चला गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई भी आ जाता है, गेस्ट आ जाते हैं, तो फिर ऐसे जो मैसी मैसी रहता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर ड्राइंग। कि हमारे बीच में एक चिंता का विषय बहुत ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें हमारे जो मासूम बच्चे हैं वो भी इफेक्टेड हो गए हैं। तो हमारे बच्चों का इफेक्टेड होना हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं हम, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हमारे लिए। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ जो पहाड़ी एरिया है वहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में कुछ बच्चे वहाँ से इफ़ेक्टेड मिले हैं जिनको कोरोना हुआ है। और इसमें एक साल से छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा हैं वो 3 साल से ऊपर की एज है। तो हम लोग कैसे अपने बच्चों का बचाव करें, क्योंकि छोटा बच्चा है तो हमें ये भी नहीं बता पाएगा कि मतलब उसको कहाँ पेन है, कहाँ प्रॉब्लम है, वो अपनी बात को क्लियरली नहीं बता पाएंगे। क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं वो तो बता देते हैं, बट क्या होता है कि छोटे बच्चे उनको पता ही नहीं होता है कि मतलब क्या कैसे कैसे मतलब एक्सप्लेन करना है किसी चीज़ को। बस बच्चा क्या करता है, परेशान रहने लगता है। तो हमें कैसे समझना होगा कि हमारा बच्चा किसी प्रॉब्लम से इफ़ेक्टेड है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी बच्चा कोरोना से इफ़ेक्टेड हो, किसी का भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे और उनको इतना कष्ट होना बहुत दुखदायी बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कैसे पहचान करें कि हमारे बच्चों को कोई इन्फेक्शन हुआ है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर बच्चा अपनी भूख कम कर देता है, अगर बच्चा खाना पीना कम कर देता है, तो समझ जाइए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, अगर बच्चा खेलना कूदना और जो डेली उसकी एक्टिविटी है वो कम कर देता है, तो तब भी समझ जाइए कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। थर्ड जो है वो ये है कि अगर बच्चा कहीं ना कहीं सर दर्द बताता है, बॉडी पेन बताता है, हाथ पैरों में कहीं दर्द बताता है, तो इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है। या फिर बच्चे को फीवर है, सर दर्द है, नाक बंद है, आँखें उसकी सूजी हुई हैं, तो हो सकता है कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम है। तो अगर हमारे बच्चे कुछ हमें इस टाइप का सिम्टम्स देते हैं तो हमें बिल्कुल भी उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अपने बच्चों की बातों को सीरियस लें और उनको समझें। इसके अलावा हम लोग एडवांस सेफ्टी क्या कर सकते हैं? एडवांस सेफ्टी हम अपने बच्चों की इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले जो इम्यूनिटी बूस्टर कुछ चीज़ें होती हैं खाने की पीने की, उन चीज़ों पर एडवांस में ध्यान दिया जाए। अपने बच्चों को काढ़ा दें, अपने बच्चों को गर्म चीज़ें खिलाएं, ड्राई फ्रूट्स खिलाएं। सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने बच्चों को खजूर खिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है और हमारे बच्चों की जो पाचन शक्ति है उसको भी बढ़ाता है और जो उसकी अंदर की जो शक्ति है उसको भी इंक्रीज़ करता है। तो जो खजूर है बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को गर्मियों में भी च्यवनप्राश दे सकते हैं, कोई भीगने से बचाएं, बच्चों को भीगने ना दें, नंगे पैर ना घूमने दें, ठंड में बिल्कुल ना घूमने दें, और एसी और कूलर का प्रयोग फिलहाल बिल्कुल बंद कर दें। और अगर आपको कूलर चलाना ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी के आप एरिया में रहते हैं, तो आप उसको मतलब उसका पानी यूज़ ना करें, सिंपल आप फ़ैन यूज़ करें कूलर का, तो चल जाएगा। और हर एक चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होने देना है बिल्कुल भी। बच्चा अगर पानी में भीग जाता है तो आप उसको एकदम से कपड़े चेंज करें और बच्चे को कुछ गर्म खिलाएं पिलाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे बच्चे पानी में बाथरूम वगैरह में चले जाते हैं और भीग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होने देना है। और इसके अलावा अगर हमारा बच्चा कभी किसी चीज़ से इफेक्टेड हो भी जाता है तो डॉक्टर की सलाह लें, छोटी से छोटी प्रॉब्लम पर भी आजकल डॉक्टर की सलाह लें। हो सके तो अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है तो उससे फ़ोन पर ज़्यादा बात करें, हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से भी बहुत लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ ऐसे उपाय को करके हम अपने बच्चों को जो संक्रमण है उसके फैलने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो पेरेंट्स की जान निकल जाती है और
बस ये है बात कि देखिए बच्चा बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, और अगर हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो यही चीज़ आप लोगों को सलाह देती हूँ कि आप अपने बच्चों का जितना ज़्यादा ध्यान हो सकता है बच्चों का ध्यान रखिए, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें, उनके जो उनको ताकत देने वाली चीज़ें वो उनको खिलाएं, और अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, और हो सके तो फ़ोन पर संपर्क करें, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तब ही हॉस्पिटल जाएं, और सेफ्टी के साथ जाएं, डबल मास्क अपने बच्चे को पहनाएं और ख़ुद भी पहनें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक था वो यही था कि मैं जो आजकल हमारे आसपास हो रहा है ना उसको देखकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों तक भी ये बात पहुँचेगी, क्योंकि सेकेंड जो लहर है कोरोना की उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ सेव योर चाइल्ड। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप अपने बच्चों के साथ सेफ्टी पर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को करूँगी करंट। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू एंड बाय बाय।